सरकारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 11 नवंबर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार DLRS ने 10,101 रिक्तियों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी किया। बिहार में पराली जलाने पर दर्ज होगी FIR। बिहार में 43 दिनों तक होगी नौकरी की बरसात। खेलकूद को अनिवार्य हिस्सा बनाने के लिए बनाई गई नई नीति। वर्ल्ड कप T20 में भारतीय टीम का ट्रॉफी जीतने का सपना हुआ चकनाचूर। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार DLRS ने 10,101 रिक्तियों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी की। बिहार गवर्नमेंट डायरेक्टरेट ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स एंड सर्वे ने अमीन, कंगनू, क्लर्क और असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर पोस्ट के लिए कुल मिलाकर 10,101 रिक्तियों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी किया है। इन पदों के लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो आवेदक को सिविल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में बैचलर डिग्री या डिप्लोमा या ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस वैकेंसी नोटिस से जुड़ी हुई समस्त जरूरी जानकारी और आवेदन करने के लिए इस वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। आवेदन का तारीख 16 नवंबर 2022 निर्धारित किया गया है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट https://dlrs.bihar.government.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए हुआ स्कॉलरशिप योजना का ऐलान। बिहार सरकार के द्वारा बिहार छात्रवृत्ति योजना 2022 जारी कर दी गई है। इसके तहत OBC, SC, ST वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के बेहतर शिक्षा के लिए सरकार की ओर से आर्थिक मदद उपलब्ध करवाई जाएगी। हालांकि इस योजना का लाभ वही छात्र उठा सकते हैं जो अनुसूचित जाति जनजाति के होते हुए बेहतर रिजल्ट आते हो, लेकिन आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से वह अपनी आगे की पढ़ाई पूरी न कर पाते हो। इसके लिए छात्रों को ऑनलाइन आवेदन देना होगा। आवेदन दिए जाने के बाद छात्रों को उनकी पढ़ाई में खर्च होने वाली राशि की 70% राशि सरकार की ओर से दी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ बिहार सरकार के द्वारा सभी प्रारंभिक स्कूलों के बच्चे के विद्यार्थी के लिए 1.13 अरब रुपए जारी कर दिए गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार यह राशि 16.75 लाख बच्चों के बीच बांटा जाएगा। प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए 8 जिलों ने ही किया निबंधन। प्रधानमंत्री द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार के लिए अब तक बिहार राज्य से केवल 8 जिलों के द्वारा ही निबंधन दिया गया है। बता दें कि प्रधानमंत्री की ओर से यह पुरस्कार उन्हें मिलता है जिनके द्वारा लोक प्रशासन में उत्कृष्ट कार्य किए जाते हैं। निबंधन की धीमी रफ्तार को देखते हुए सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से सभी DM को पत्र लिखा गया है और अनुरोध किया गया है कि वे सभी 2022 के लिए वेब पोर्टल पर जल्द से जल्द आवेदन कर लें। यह पुरस्कार प्रधानमंत्री की ओर से लोक प्रशासन के क्षेत्र में बेहतर और नए कार्य करने वालों को हर साल दिए जाते हैं, लेकिन इससे पहले निबंधन की प्रक्रिया भी करवाई जाती है और आवेदन को समर्पित करना होता है। बिहार में पराली जलाने पर दर्ज होगी FIR। बिहार में पराली जलाने की बढ़ती घटना को देखकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर अंतर विभागीय समूह की बैठक में विकास आयुक्त के द्वारा निर्देश दिया गया है कि बिहार में अब पराली जलाने वाले लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। इसे लेकर कृषि विभाग के प्रभारी रविन्द्रनाथ राय की ओर से आदेश भी जारी कर दिया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि बिहार में सबसे अधिक प्रदूषित शहर कटिहार बना हुआ है, जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 393 पर पहुंच गया है। वहीं सूची में दूसरे और तीसरे नंबर पर मोतिहारी और सिवान को रखा गया है, जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 368 और 339 तक पहुंच गया है। बताते चले कि पराली जलाने वाले किसानों पर CRPC की धारा 133 के तहत कार्रवाई की जाएगी। वहीं अगर यह घटना सही पाई गई तो उन पर IPC की धारा 188 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। बिहार से सबसे अधिक सऊदी जा रहे कामगार। बिहार में युवाओं को रोजगार न मिल पाने के कारण कई युवा देश से विदेश की ओर अपना रुख कर लेते हैं। ऐसे में यह बात सामने आई है कि बिहार के कामगार सबसे अधिक सऊदी की ओर अपना रुख करते हैं। बता दें कि इस वर्ष ECR पासपोर्ट पर बिहार से सऊदी अरब जाने वाले लोगों की कुल संख्या 25,875 है, जबकि कतार और अरब अमीरात जाने वाले की संख्या 5,947 और 5,647 है। वहीं सूची में चौथे, पांचवें और छठे स्थान पर ओमान, कुवैत और बहरीन को रखा गया है। बताते चले कि सऊदी अरब जाने वाले लोगों की संख्या में बढ़ोतरी को देखते हुए पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बनाने की रफ्तार तेज कर दी गई है। पहले जहां प्रतिदिन 200 पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बनाए जाते थे, वहीं अब इसकी संख्या बढ़ाकर 1200 कर दी गई है। अवैध उगाही करने वाले ASI 3 सिपाही और चालक गिरफ्तार।
बिहार के मुंगेर में एसपी के निर्देश के बाद 5 पुलिस कर्मियों की गिरफ्तारी की गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन सभी पुलिस कर्मियों पर मुंगेर एसपी जग्गुनाथ रेड्डी जना रेड्डी के द्वारा अवैध उगाही के आरोप लगाए गए थे, जिसके बाद उन्होंने अपने ही महकमे के एक एएसआई, 3 सिपाही और एक चालक की गिरफ्तारी करने को निर्देश दे दिया, जिसके बाद इन सभी पुलिस कर्मियों की गिरफ्तारी कर ली गई और इन पर अवैध उगाही करने और शराब तस्करी में पकड़ाए वाहन को छोड़ने का आरोप लगाया गया है। फिलहाल सभी पुलिस मुंगेर जिले के हवेली खड़गपुर थाना में पदस्थापित थे। बता दें कि इनके खिलाफ किए गए जांच के क्रम में कुछ सबूत भी मिले हैं, जिससे यह स्पष्ट हो गया है कि इन पर लगा सभी आरोप सच है, जिसके बाद इन सभी को निलंबित कर दिया गया है। वहीं अभी विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की प्रक्रिया चल रही है। बिहार में 43 दिनों तक होगी नौकरी की बरसात। बिहार के बेरोजगारों को अब अगले 43 दिनों के अंदर रोजगार मिलने वाला है। बता दें कि बीते दिन 10 नवंबर से लेकर आने वाले 23 दिसंबर तक राज्य भर में 31 रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए नियोजन की ओर से कैलेंडर जारी कर दिया गया है, लेकिन इस रोजगार मेले में वही भाग ले सकते हैं जो नियोज को व बेरोजगारों का नेशनल करियर सर्विस पोर्टल पर निबंधन जरूरी होगा। इसके अलावा अभ्यर्थी और नियोजकों के लिए ऑन द स्पॉट निबंधन की भी सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। जानकारी के लिए बता दें कि बिहार की राजधानी पटना में 22 और 23 दिसंबर को मेले का आयोजन किया जाएगा, वहीं बेगूसराय में 21 को रोजगार कैंप लगाया जाएगा। इसके साथ ही इस बीच अगर किसी नियोजकों की कोई गड़बड़ी सामने आती है तो उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिहार पर्यटन के स्थल में आज हम बात करेंगे मां सीता के जन्म स्थान के बारे में। भगवान राम की पत्नी सीता की जन्मस्थली होने के नाते सीतामढ़ी शहर बिहार का एक महत्वपूर्ण गंतव्य है। बिहार का यह शहर तीर्थ स्थल होने के साथ साथ एक ऐतिहासिक स्थल भी है। इन्हीं वजह से यह जगह बिहार में घूमने के लिए एक दिलचस्प जगह हो सकती है। माँ सीता का जन्म स्थान इस शहर में 100 साल पुराना मंदिर है, जिसे जानकी मंदिर कहा जाता है। माना जाता है कि यह ऐसी जगह है जहाँ सीता का जन्म हुआ था। इसके साथ ही यहाँ मौर्य काल का बना हुआ एक रॉक कट अभयारण्य भी है, जो कि यहाँ का मुख्य आकर्षण है। सीतामढ़ी हिंदू भक्तों और इतिहास में रुचि रखने वालों के लिए एक उत्तम स्थान है। ऐतिहासिक शौकीन रखने वाले लोग इस जगह का अधिक आनंद ले सकेंगे। बिहार में भूकंप रोधी घर बनाने पर सरकार देगी प्रोत्साहन राशि। बिहार में भूकंप के झटके से जानमाल के हुए नुकसान को देखते हुए आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से एक प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इस प्रस्ताव में उन लोगों को प्रोत्साहन राशि से सहयोग किया जाएगा जो भूकंप रोधी घर का निर्माण करवाते हैं। हालांकि अब तक इस बात की जानकारी नहीं दी गई है कि प्रोत्साहन राशि के तौर पर लोगों को कितने रुपए की मदद दी जाएगी, लेकिन ऐसी उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही यह तय कर कैबिनेट से स्वीकृति के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार में मंगलवार की शाम से बुधवार की सुबह तक 3 भूकंप के झटके महसूस किए जा चुके हैं। सोनपुर मेले में जलवा बिखेरेंगी मालिनी अवस्थी और ममता जोशी। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर मेले की शुरुआत हो गई है। बता दें कि इस मेले में देश के साथ ही विदेशों से लोग पहुंचते हैं। ऐसे में इस बार के मेले में बॉलीवुड की मशहूर कलाकार पद्मिनी कोल्हापुरे, सूफी गायिका ममता जोशी और लोक गायिका मालिनी अवस्थी अपनी प्रस्तुति देंगी। सोनपुर मेले में राजस्थान के लोक कलाकार गुबालो भी शामिल किया गया है, जिसमें कालबेलिया नृत्य प्रस्तुत किया जाएगा। इसके साथ ही लोक गायक और कई टीवी रियलिटी शो के प्रतिभागी इसमें शामिल होंगे। मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम को लेकर बोलते हुए संस्कृति विभाग के अतिरिक्त सचिव दीपक आनंद ने बताया है कि मेले में रंगारंग कार्यक्रम, एडवेंचर स्पोर्ट्स, वाटर स्पोर्ट्स और अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया है कि सोनपुर मेला 7 दिसंबर तक चलेगा। डीएलएड कोर्स में एडमिशन के लिए बढ़ी तारीख। डीएलएड कोर्स के होने वाले संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 को लेकर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से एडमिशन की तिथि में बदलाव कर दिया गया है। बता दें कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट 9 नवंबर को निकलने वाली थी, जिसे अब बदलकर 14 नवंबर कर दिया गया है। वहीं फर्स्ट लिस्ट के आधार पर जो छात्र एडमिशन लेना चाहते हैं वे 15 से 19 नवंबर तक ले सकते हैं। इसके साथ ही प्रशिक्षण संस्थान को 21 नवंबर तक रिक्त सीटों की जानकारी पोर्टल पर देनी होगी। बता दें कि वो स्टूडेंट्स जो फर्स्ट लिस्ट में शामिल नहीं हो पाए थे, उन स्टूडेंट्स को नए विकल्प भरने और पूर्व के विकल्प में परिवर्तन करने के लिए भी मौका दिया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि स्टूडेंट्स इस पर नामांकन करने के लिए नीचे लिखी वेबसाइट पर जाकर अपना नया विकल्प भर सकते हैं। वहीं इसका दूसरा मेरिट लिस्ट 25 नवंबर को निकाला जाएगा, जिसके तहत छात्र 26 से 28 दिसंबर तक एडमिशन करवा सकते हैं।
भगवान राम के तीर्थ स्थलों की सैर कराएगी रेलवे। भारतीय रेलवे के द्वारा 18 नवंबर से एक ट्रेन के परिचालन की शुरुआत की जा रही है, जो लोगों को भगवान राम के सभी तीर्थ स्थलों की सैर कराएगा। रेलवे के द्वारा लॉन्च किए गए इस पैकेज में 17 रात और 18 दिनों को शामिल किया गया है। इस ट्रेन में सफर में दौरान यात्रियों के लिए भ्रमण के साथ साथ खाने पीने का भी प्रबंध किया गया है। बताते चले कि इस ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को दो श्रेणी में टिकट उपलब्ध करवाए जाएंगे, जिनमें पहली श्रेणी में सिंगल सेयर के लिए यात्रियों को 68,900 रुपए चुकाने होंगे, तो वहीं डबल और ट्रिपल सेयर के लिए 59,980 रुपए चुकाने होंगे। इसके साथ ही दूसरी श्रेणी के लिए यात्रियों को सिंगल, डबल और ट्रिपल सेयर के लिए 82,780 रुपए और 71,980 रुपए चुकाने होंगे। जानकारी के लिए बता दें कि इस ट्रेन में सभी बोगियां थर्ड एसी की होंगी, जिनमें कुल 600 यात्री सफर कर पाएंगे। खेलकूद को अनिवार्य हिस्सा बनाने के लिए बनाई गई नई नीति। सरकार की ओर से बिहार के सरकारी स्कूलों में खेलकूद को अनिवार्य हिस्सा बनाने के लिए कई नई नीति बनाई गई है। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग ने विद्यालयों में खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए कार्य योजना बनाई है, जिसमें कबड्डी, फुटबॉल, हॉकी समेत कई पारंपरिक खेलों को शामिल किया गया है। लेकिन इन सब के बावजूद भी राज्य में खेल के नई नीति बनाने की जरूरत महसूस की जा रही है। वहीं हमारे राज्य में खिलाड़ियों के लिए रोजगार का कोई विशेष प्रावधान नहीं है। सरकार को ऐसी भी एक नीति बनानी चाहिए जिससे उन्हें रोजगार की चिंता न करनी पड़े। सरकार को कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे लोगों को खेलने के लिए स्टेडियम मिले और स्टेडियम के रखरखाव पर भी ध्यान रखा जाए। बिहार के लोग मजदूर से मालिक बनने की राह पर, समीर महासेठ। बिहार के उद्योग मंत्री समीर महासेठ ने पटना के अधिवेशन भवन में राज्य के सभी उप विकास आयुक्तों के लिए आयोजित कार्यशाला के उद्घाटन समारोह में लोगों को संबोधित करते हुए कहा है कि अब बिहार के लोग मजदूर से मालिक बनने की राह पर हैं। अब वे सभी रोजगार मांगते नहीं बल्कि रोजगार देते हैं। उन्होंने कहा कि आप यदि किसी एक व्यक्ति का उद्योग स्थापित करने में मदद करते हैं तो आप उस व्यक्ति के साथ साथ कई पीढ़ियों के दिलों में अपनी जगह को बना लेते हैं। बिहार में उद्योग लगाने के लिए सभी जरूरी चीजें उपलब्ध है, यहाँ बड़ा बाजार भी है और पानी भी है। हम सभी को आत्मनिर्भर भारत के साथ साथ आत्मनिर्भर बिहार भी बनाना होगा। बिहार के अब 9 जिलों में उद्योग बढ़ने के लिए प्लग एंड प्ले फैसिलिटी विकसित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार को बिक्री वाले राज्य से विनिर्माण वाले राज्य के रूप में आगे बढ़ाना होगा। दुनिया में बजेगा बिहार के जल जीवन हरियाली प्रोजेक्ट का डंका। 6 नवंबर से शुरू हुए पर्यावरण सम्मेलन में बिहार दुनिया को अपना जलवायु परिवर्तन से निपटने का गुर बताएगा। बता दें कि यह सम्मेलन मिस्र के शर्म अल शेख में आयोजित किया जा रहा है, जो कि 6 नवंबर से 18 नवंबर तक चलेगी। मिली जानकारी के अनुसार इसमें कुल 158 देश भाग लेंगे, जिनमें पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं के बारे में मंथन किया जाएगा। आपको बता दें कि सम्मेलन में भाग लेने के लिए बिहार की ओर से बिहार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रधान सचिव अरविंद चौधरी के साथ राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सचिव एस चंद्रशेखर गए हैं। इस सम्मेलन में बिहार की जल जीवन हरियाली योजना, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन पर जमीनी स्तर पर किए जा रहे काम समेत कई कामों के बारे में बताया जाएगा। पीएमसीएच में हृदय रोग के इलाज के लिए लगाए गए कई उपकरण। बिहार की राजधानी पटना के सबसे पुराने व बड़े मेडिकल कॉलेज पीएमसीएच में अब हृदय रोग लोगों के लिए कई नए उपकरण लगाए गए हैं, जिनमें अब ईसीजी के अलावा इको, टीएमटी से लेकर होल्डर तक के उपकरण को शामिल कर दिया गया है। हालांकि अस्पताल में इमरजेंसी में कार्डियोलॉजी के बेड नहीं होने पर गंभीर ओपीडी के अलावा अन्य माध्यम से यहां भर्ती नहीं हो सकेगी, लेकिन इससे उन हृदय रोगियों के सहायता मिलेगी जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं। इसके साथ ही पीएमसीएच में जल्द ही हृदय रोग की सबसे बड़ी डिग्री लेने वाले 4 डॉक्टर और डीएनबी चिकित्सक मिलेंगे। मिली जानकारी के अनुसार सर्जरी के लिए कैथ लैब को दिसंबर तक स्थापित कर दिया जाएगा। वहीं यह भी खबर है कि अस्पताल को मार्च तक निर्माणाधीन सुपर स्पेशलिस्ट भवन मिल जाएंगे, जिसके बाद अत्याधुनिक तरीके से हृदय रोग का सुपर स्पेशलिस्ट विभाग तैयार किया जाएगा। फरार आईपीएस आदित्य कुमार ने एंटीसिपेटरी बेल के लिए उतारी वकीलों की फौज। गया के पूर्व आईपीएस अधिकारी आदित्य कुमार पर एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद फरार चल रहे हैं। ऐसे में पिछले एक महीने से उन्हें पुलिस के द्वारा गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। वहीं दूसरी ओर अब आदित्य कुमार ने अपने एंटीसिपेटरी बेल के लिए वकीलों के माध्यम से पिटीशन अप्लाई कर दिया है। इस केस में आज यानी शुक्रवार को सुनवाई की जानी है। मिली जानकारी के अनुसार आदित्य कुमार ने पटना हाईकोर्ट के एसजी संजय को अपना वकील चुना है। इनके द्वारा ही पटना सिविल कोर्ट में उन्होंने डिस्ट्रिक्ट जज के पास पिटीशन फाइल किया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आदित्य कुमार के खिलाफ 15 अक्टूबर को चीफ जस्टिस के नाम पर कॉल करने के मामले में आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा एफआईआर दर्ज की गई थी। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में भी एआईएमआईएम की एंट्री।
AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने विधानसभा उपचुनाव में तेजस्वी का खेल बिगाड़ दिया था, वहीं एक बार फिर वो इसी रास्ते पे चलते नजर आ रहे हैं। बता दें कि AIMIM ने पटना यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव में भी एंट्री मार ली है। यह पहली बार है जब ओवैसी की पार्टी से किसी उम्मीदवार को पीयू के छात्र संघ चुनाव में उतारा गया हो। पार्टी के द्वारा सबा कुतुब को उपाध्यक्ष पद का प्रत्याशी बनाया गया है। बताते चले कि सबा MSc सांख्यिकी की छात्र हैं। हालांकि अब तक यह खबर नहीं आई है कि ओवैसी की पार्टी और किन किन पदों पर अपने उम्मीदवार को उतार सकती है। ओवैसी के उठाए गए इस कदम के बाद यह बात कही जा रही है कि इससे राजद को बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। अगर सबा मुस्लिम वोटर्स को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल होती है तो राजद के वोट पर असर देखने को मिल सकता है। शराबबंदी को उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार में बताया विफल। जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने मान लिया है कि बिहार में नीतीश कुमार के द्वारा लागू की गई शराबबंदी सफल नहीं हो पाई है। उन्होंने कहा कि सरकार चाहे कितना भी कहे, लेकिन हकीकत क्या है यह सभी को नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार में शराबबंदी तभी सफल हो सकती है जब बिहार के लोग चाहेंगे। अगर यहाँ के लोग शराब पीना बंद कर देंगे तो शराबबंदी कामयाब हो जाएगी। अगर सिर्फ सरकार के द्वारा शराब पर रोक लगाई जाती है तो इससे कुछ फायदा नहीं होगा। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि शराबबंदी के कारण बिहार में हिंसक घटनाओं में कमी आई है। बता दें कि उनके इस बयान के दिए जाने के बाद बीजेपी उनकी ईमानदारी की कायल हो गई है। हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई और मुस्लिम बनने वालों को नहीं मिलेगा SC का दर्जा। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद अब देश के दलित मुस्लिमों और ईसाइयों को अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं दिया जाएगा। आपको बता दें कि पहले SC में आरक्षण के तहत उन्हें सरकारी नौकरी और शिक्षा में आरक्षण मिलता रहा है, लेकिन अब जब कोई भी अनुसूचित जाति का व्यक्ति मुस्लिम या फिर ईसाई बनता है तो उन्हें इन सभी का लाभ नहीं मिलेगा। केंद्र सरकार ने सिर्फ कोर्ट में कहा है कि नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण वर्तमान में सिर्फ हिंदू, सिख या बौद्ध समुदाय के लोगों को ही मिलता है। यह आरक्षण संविधान में 1950 के तहत प्रदान किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट को सौंपे गए एक हलफनामे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने कहा है कि दलित ईसाई और दलित मुसलमान उन लाभों का दावा नहीं कर सकते हैं जिनके लिए अनुसूचित जातियां हकदार हैं, और संविधान के अनुसार अनुसूचित जाति आदेश 1950 के अनुसार यह असंवैधानिक है। वर्ल्ड कप T20 में भारतीय टीम का ट्रॉफी जीतने का सपना हुआ चकनाचूर। भारत का दोबारा T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीतने का सपना चकनाचूर हो गया है। सेमीफाइनल में इंग्लैंड के हाथों एडिलेड के मैदान में टीम इंडिया को 10 विकेटों से करारी हार का सामना करना पड़ा है। इस हार के साथ टीम इंडिया के लिए T20 वर्ल्ड कप उठाने का इंतजार बढ़ गया। पिछले 3 सालों में ICC इवेंट्स में टीम इंडिया का प्रदर्शन ऐसा ही रहा है और ये डराने वाला है। बता दें कि T20 विश्व कप 2022 में एडिलेड ओवल में इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने इंग्लैंड की टीम को 159 रनों का लक्ष्य दिया था। इंग्लिश कप्तान जॉस बटलर ने टॉस जीतकर भारत को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। हालांकि इसके बाद स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने कोहली के साथ मिलकर बेहतरीन साझेदारी की। कोहली ने 40 गेंदों में 50 रन बनाकर आउट हुए, जबकि हार्दिक ने 33 गेंदों में 63 रन बनाए। वहीं इंग्लैंड की टीम ने 4 ओवर रहते हुए बिना विकेट गवाए 159 रन बनाकर फाइनल में जगह बना ली है। अब उनका सामना फाइनल में पाकिस्तान की टीम के साथ होगा। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। भारत में 1950 को पहला भाप इंजन चितरंजन रेल कारखाने में बनाया गया। राजधानी दिल्ली 1956 में केंद्र शासित राज्य बना। पंजाब से अलग करके 1966 में हरियाणा राज्य का गठन किया गया। अपने समय के प्रसिद्ध उर्दू साहित्यकार व कवि अल्ताफ हुसैन हाली का जन्म 1837 में हुआ। प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता एवं मजदूर महाजन संघ की संस्थापक अनुसुईया सारा भाई का जन्म 1885 में हुआ। शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलम आजाद का जन्म 1888 में हुआ। प्रसिद्ध भारतीय क्रांतिकारी और राजनीतिज्ञ JB कृपलानी का जन्म 1888 में हुआ। मशहूर फिल्म निर्देशक और संगीत में ध्वनि के जानकार देवकी बोस का 1971 में निधन हो गया। वायरल खबर में आज बात होगी SBI योनो अकाउंट के बारे में। सोशल मीडिया पर कई तरह की सूचनाएं वायरल होती हैं, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इस कड़ी में आज हम बात करेंगे वायरल हो रहे SBI योनो अकाउंट के बारे में। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हो रहा था कि SBI योनो अकाउंट बंद हो रहा है, इसलिए बैंक से संपर्क करके पैन डिटेल अपडेट करवा ले। बता दें कि इस वायरल मैसेज का खंडन करते हुए PBI फैक्ट चेक ने ट्वीट किया है कि SBI से जुड़ा जो मैसेज वायरल हो रहा है वो पूरी तरह से फर्जी है। PIB के द्वारा आगे लोगों को आगाह किया गया है कि लोग अपना व्यक्तिगत या बैंकिंग डिटेल भी कहीं शेयर न करें। इसके अलावा PIB ने कहा कि लोग इस तरह के फर्जी संदेशों की रिपोर्ट स्क्रीन पर लिखे मेल पर जाकर भेज सकते हैं। जानिए कितना रेडिएशन छोड़ रहा आपका स्मार्टफोन।
आज के समय में स्मार्टफोन बहुत जरूरी हो गया है, लेकिन दूसरी ओर यह भी है कि यह हमारे लिए उतना ही हानिकारक साबित होता है। बता दें कि आपका स्मार्टफोन आपके लिए कितना हानिकारक है, ये आप उसकी SAR वैल्यू यानी स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट से पता लगा सकते हैं। SAR वैल्यू स्मार्टफोन से निकलने वाली रेडिएशन को मापने की यूनिट है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत में डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन के द्वारा मोबाइल फोन के लिए SAR वैल्यू तय किए गए हैं, जिसके वैल्यू 1 ग्राम से टिश्यू पर है। अगर आप भी अपने SAR वैल्यू को चेक करना चाहते हैं तो आप फोन के यूजर मैनुअल पर जाकर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक कोड की मदद से भी SAR वैल्यू पता कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने फोन के डायल पैड पर जाना होगा और *#07# टाइप करना होगा, जिसके बाद आपके फोन के स्क्रीन पर SAR वैल्यू से जुड़े सभी डिटेल्स आ जाएंगे। भगवान शिव का जलाभिषेक करने देवघर पहुंची नीलम देवी। बीते दिन गुरुवार को मोकामा विधानसभा उपचुनाव जीतने के बाद राजद विधायक नीलम देवी अपने दोनों बेटों के साथ देवघर पहुंची हैं, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की। वहीं चुनाव परिणाम आने के बाद नीलम देवी ने पटना के महावीर मंदिर में भी पूजा अर्चना की थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राजद प्रत्याशी नीलम देवी ने मोकामा विधानसभा उपचुनाव 16,741 वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी। मिली जानकारी के अनुसार नीलम देवी ने पहले से तय किया था कि अगर वो चुनाव जीतती हैं तो वो देवघर जाएंगी। इससे पहले भी उनके द्वारा की गई पूजा अर्चना की तस्वीरें सामने आ चुकी है। बताते चले कि यह पहली बार है जब वो मोकामा से विधायक बनी। हालांकि उनके पति बाहुबली अनंत सिंह वर्ष 2005 से ही मोकामा से चुनाव जीतते आ रहे हैं। वहीं लोगों का यह भी मानना है कि उनकी जीत अनंत कुमार के प्रति जनता के विश्वास को दर्शा रही है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मोहम्मद शकीर हुसैन, नवीन कुमार, राजा रंजन कुमार, विरमानी सिंह, उमेश ऋषिदेव, मृत्युंजय कुमार, शंकर मुखिया, कृष्ण मुरारी यादव, अभिमन्यु कुमार, रविंद्र पासवान, लक्ष्मी ठाकुर, मनोज कुमार, सुबोध कुमार, नवीन कुमार, मनोज राम। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार T20 वर्ल्ड कप 2022 टूर्नामेंट से भारत का बाहर होने के पीछे का मुख्य कारण क्या है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।